हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। तो फ्रेंड्स, फ्री सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस पाने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, तो ऐसे ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आपको एसटी कार्ड ख़राब हो जाता है वो रिपेयर करके दिखाऊँगा कैसे रिपेयर होता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो फ़ाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो ऐसी फ़ाइल होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे एसटी कार्ड पड़े हैं, तो आपको दिखाते हैं कौन से एसटी कार्ड हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एसटी कार्ड है, बहुत सारे पड़े हैं, तो इनमें से आपको एक दो तीन में आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें से जल्दी से एक एसटी कार्ड उठा लेता हूं। तो फ्रेंड्स, ये 4GB का कार्ड है और इसको लगाएंगे अपने कंप्यूटर पीसी में, देखते हैं फॉर्मेट होता है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं लगा लेता हूं एसटी कार्ड को। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिया एसटी कार्ड को, इसमें से कुछ नहीं आया, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर से आ चुका है, फिर से निकाल के लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ आ गया, इसको हम फॉर्मेट करके देखते हैं फॉर्मेट होता है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, आप देख सकते हो ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है, कुछ लिखा हुआ आ गया, पता नहीं क्या लिखा हुआ, बहुत सारा लिखा हुआ आ गया, तो इसको क्लोज कर देते हैं, एक बार दोबारा भी इसको फॉर्मेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, फॉर्मेट नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इस एसडी कार्ड को आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्मेट होता है और क्या क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सीखने के लिए वीडियोज़ में जुड़े रहना, और वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से वीडियोज़ को शुरू कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ विंडोज़ में और यहाँ टाइप करेंगे cmd कमांड, cmd। तो फ्रेंड्स, ये cmd आ गया, इसको रन करेंगे, ओपन करेंगे, रन एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करेंगे इसको। मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको यस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुकी है, अब इसमें क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जिप फाइल आपको मिलेगी, सॉरी ये जिप फाइल नहीं है, ये तो वैसी फाइल है, बस इसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसमें कुछ टाइप किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, फिर से इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो चुका है, अब इसमें और कुछ नहीं करना है हमें, जो भी हमें टाइप करना है, कोई बंदा भाई टाइप कर सके तो टाइप कर ले, नहीं तो यहाँ से कॉपी करना है, बस मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक एक करके कॉपी करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिएगा कैसे होती है। अब हमें इसको इंटर दबाना है, बस मैंने इंटर दबा लिया, उसके बाद फिर से जाएंगे बैग, यहाँ से कॉपी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गौर देना है आपको, गौर से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा, ऐसा ना हो अपने और कोई ड्राइव फॉर्मेट करके बैठे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ, इसको कट करेंगे, अब देखेंगे हमारी एसटी कार्ड कुछ भी ख़राब हुआ हो वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ MB में लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा एसटी कार्ड है, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ ट्रू सिलेक्ट करना है, ट्रू लिखना है, ट्रू लिखने के बाद इसको क्लीन करेंगे, ऐसा ना हो इसमें मेरे तो ड्राइविंग और भी दोनों लगे हुए हैं, उसको फॉर्मेट करके बैठे हैं, उसलिए तो गौर देना है, कुछ गौर दे के इसको फॉर्मेट करेंगे तो अच्छी बात है।
तो फ्रेंड्स मेरा ये एसडी कार्ड का 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ टाइप करके 2 लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख लिया, उसके बाद हमें फिर से इंटर दबाना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये इंटर दबा लिया, उसके बाद हमें बैग जाना होगा, क्लीन को कॉपी करना होगा। तो मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूँगा, उसके बाद फ्रेंड्स फिर से इंटर दबाना है। तो वेट कर लेते हैं, ये सक्सेस हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फिर से ये कॉपी करना होगा 5 नंबर वाला, तो मैं ये फुल कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने कॉपी कर लिया, इसमें पेस्ट करेंगे, फिर से इंटर दबाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सक्सेस हो चुका है। उसके बाद ये इसका जो फॉर्मेट एड्रेस है वो कॉपी करेंगे फॉर्मेटिंग, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया, फिर से इंटर दबाएंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने हमारा एसडी कार्ड आ चुका है, ये आ गया और फॉर्मेट भी हो चुका है। यहाँ लिखा 100% लिखा हुआ आ गया है, कम्प्लीट लिखा हुआ आ गया। तो फ्रेंड्स जल्दी से हमें एसडी कार्ड को निकालना नहीं है, उसके बाद एक्टिव करना है, एक्टिव तो ज़रूरी करना है, तो मैं इसको एक्टिव भी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत सारे बंदे होंगे जो एक्टिव नहीं करते होंगे, जल्दी से जल्दी एसडी कार्ड बन गया तो उसको निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स उसमें फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ, उसके बाद साइन करेंगे। तो मैं एक साइन कर लेता हूँ, तो ये कॉपी होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद बस हमें बैग जाना है, कट कर देना है, कुछ भी करना है, बस हमारा एसडी कार्ड तो बन गया है। यह आपके सामने है, ये रहा एसडी कार्ड, लाइव प्रूफ आपको करके दिखाया। और एक बार हमें फॉर्मेट करते हैं इसको, फॉर्मेट होता है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी डेटा लगा लेते हैं, क्या डेटा का प्रॉब्लम तो नहीं है, लोडिंग कर रहा हो, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी स्पीड भी आप देख सकते हो कितना जल्दी स्पीड हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।